जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद है होटल चाणक्य बीएनआर में। बताते चले कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ आ चुकी है, अंदर बैठक चल रही है। इसके बाद हम भी उनसे बात करेंगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन इस वक्त वो झारखंड के दौरे पर है। आपको बताते चले सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर बधाइयाँ दी है, उनका स्वागत किया है झारखंड में। इस पर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर भी हम आपको दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे खास चीज़ देखने को मिला, मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को दिखाने, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी का एक विशेष स्कूल से आए हैं और वो एक पेंटिंग और ड्राइंग द्रौपदी मुर्मू का बना कर लाए हैं, उनको ग्रीटिंग करना चाहते हैं। अगर क्या है पूरा पर्पस, ये जो इतने बच्चे को आप लेकर आए हैं, क्या है पर्पस? ये है कि जब मैडम यहाँ की गवर्नर थी उस वक्त से बच्चे इनसे इंस्पायर्ड है और मैडम को ये दूसरा कलाम मानते हैं। अच्छा। क्योंकि मैडम जब एक बार साइंस एग्जीबिशन में बच्चों के साइंस मॉडल के इंस्टॉल को भ्रमण कर रही थी, देख रही थी, और बच्चों जब साइंटिफिक बातें कर रही थी, तो इन बच्चों ने कहा कि ये हमारे देश के दूसरे कलाम है जो कि बच्चों से इतना साइंटिफिक बातें पूछ रही है और इनको इतना साइंटिफिक ज्ञान है और वो बच्चों से जानना और सीखना चाहते थे। जिस तरीके से बच्चे के करीब कलाम साहब रहते थे, वैसे मैडम को इन्होंने देखा था कि बहुत ही करीब थी उस समय पर। तो इनको जब पता चला कि भावी उम्मीदवार के तौर पर ये यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हुए। उनके लिए उन्होंने ड्राइंग बनाया और ला के कम से कम बच्चों को मैं हम लोग का बनाया हुआ जो ड्राइंग है वो मैम को दे पाए। जी, आप किस स्कूल से है, कहाँ स्कूल लोकेटेड है आपका? MMK हाई स्कूल बरियातू। तो एक आदिवासी महिला जो इतने लोअर तबके से निकलकर अब देश के राष्ट्रपति पद पर बैठने वाली, ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला सशक्तिकरण के नज़र से आप क्या कहेंगे, आप एक स्कूल के डायरेक्टर भी? सबसे पहली बात कि मैं हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट का समर्थन करता हूँ और मुझे खुशी होती है जब भी कोई वीमेन कोई बड़ा काम करती है। और हमारे देश में कई लक्ष्मीबाई से लेकर कई एग्जाम्पल हमारे देश में जो कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रतिभा पाटिल मैडम के बाद दूसरी बार जो है कोई हमारे देश की राष्ट्रपति बन रही है महिला। जी जी। और आप इस चीज़ को अपने स्कूल की लड़कियों को कैसे मोटिवेट करेंगे, आपके स्कूल की लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे लड़कियाँ ही ज़्यादा आई हैं क्योंकि मैडम को वो बहुत करीब से जानती थी, मैडम से वो मिली थी, मैडम के बारे में उन्होंने जाना था और उन्होंने उस समय भी तस्वीर टांगा हुआ अपनी स्कूल के अंदर में मैडम से जब उन्होंने मुलाकात किया था। तो मैडम को मैंने जैसा पहले कहा कि वो अपना दूसरा कलाम मानने लगे हैं और ये सचमुच, और मैडम को मैंने भी करीब से देखा कि उनको पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुचि है, काफ़ी ज़्यादा वो क्लोज रहती हैं पढ़ाई शिक्षा के प्रति। तो बच्चे इसी वजह से यहाँ पे आए हैं, उनको शुभकामनाएं दें। वैसे अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी में अटकलें लगाई जा रही है, उनको समर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि जब एक आदिवासी महिला उस लेवल पे जा रही है तो सारे पॉलिटिकल डिफरेंस मिटा के सबको साथ आके उनको वहाँ पे बैठाना चाहिए, एक संदेश होगा देश के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इतना राजनीतिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे आए हैं चूँकि मैडम हमारे से पहले भी मुलाकात की थी। आप देखना चाहते हैं राष्ट्रपति के तौर पर मैम को? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि मैं करीब से उनको देखा हूँ, उनका काम करने का पूरा जो 5 साल का तजुर्बा यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मिलनसार स्वभाव की, सब कुछ को करीब से मैंने देखा जाना समझा है झारखंड में रह के। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे देश की जो भावी राष्ट्रपति के तौर पर वो द्रौपदी मुर्मू जी ही पहुँचे। तो आपने सुना, हम कुछ यहाँ लड़कियों बच्चियों से बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर ये लेकर है। ये देखिए कितना खूबसूरत चित्रकला उन्होंने बनाई है द्रौपदी मुर्मू। किसने बनाई? मैंने बनाया। आपने बनाया? ड्राइंग का लगता है शौक है तो आपने यहीं पर उतार दिया अपनी कलाकारी। जी बिल्कुल। आप कैसे देखती हैं द्रौपदी मुर्मू को, आपके लिए क्या वो आइडल है, इंस्पायर्ड है, क्या है, क्या कहना? इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह देश के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, मैं बिल्कुल उनको बहुत मानती हूँ, तो इस वजह से मैंने उनका बनाया। एक बात बताइए, आप लोग छोटे छोटे अभी लड़कियाँ ही हैं, क्लास 10 तक भी नहीं पहुँचे, तो काफ़ी छोटे हैं उम्र में, लेकिन जिस तरीके से वो राष्ट्रपति पद पर पहुँच रही है, आप जैसे छोटी लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा, देख इंस्पिरेशन होगा क्या गर्ल्स पे, क्या असर पड़ेगा? गर्ल्स को यही होगा कि गर्ल्स पहले से ही किसी से कम नहीं है, तो और वो जब पद पे पहुँचेंगी तो हम लोग पे और मेहनत और दम आ जाएगा कि हाँ जब मैम कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जब वो आपके स्कूल आई थी, उन्होंने कुछ विशेष ऐसी बात बताई थी जो आपको याद है कि हाँ मैडम ये बोल के गई थी, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं, इंस्पायर की थी लेकिन? इंस्पायर उनकी हर बोली हर बात हमें इंस्पायर करती है। जी। और जो बहुत छोटी बच्ची है आप देख सकते हैं, एक फ्लावर लेकर खड़ी है, मैम को देना फ्लावर। जी, किस क्लास में, क्या नाम है? माहिरा खान। अच्छा अच्छा, बहुत छोटी बच्ची है ये, प्यारी बच्ची है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरी कलाम है, बहुत इंस्पायर्ड करती है। वैसे वो देश के राष्ट्रपति बनेगी नहीं बनेगी, वो आने वाले एक महीने के अंदर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बच्चों खासकर महिलाओं और जो स्कूली बच्चों के बीच उनका क्रेज है, कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम वाला दिन याद दिला देता है, जो बच्चों के बेहद खास रहे, बच्चे एक इंस्पिरेशन रहे पूरे देश के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर बैठती, अगर बैठती है तो उनका कलाम से उनका कार्यकाल कैसे अलग होगा, क्या वो भी एक मिसाल पेश करेगी। अब बने रहे GN भारत के साथ।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।